देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। अरे इतनी आपदा भी मचाई जाती है प्याज के दाम घटाने के लिए तो मैं स्वागत करता। ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, आर्बिट्री नेचर है। कांग्रेस पार्टी ने जो बात रखी है वो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी नागरिकता का आधार धर्म नहीं बनना चाहिए। जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो यह देश की जरूरत न पड़ती। देश भर में अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, 14 तारीख को हम लोग भी बहुत बड़ी रैली दिल्ली में करने जा रहे हैं इसी मुद्दों को लेकर, ताकि ध्यान जनता का उन मुद्दों पर रहे। जिस तरह बिल को प्रस्तुत किया गया, जो कल लंबी चर्चा लोकसभा में हुई, उससे सब स्पष्ट हो गया है कि इस बिल को लाने के पीछे कहीं ना कहीं कुछ राजनीति है। और संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि धर्म के आधार पर भेदभाव हो, और जो संविधान का आर्टिकल 14 है उसकी भी कहीं ना कहीं समीक्षा की जाएगी। और कल एक सांसद ने बोला है लोकसभा में कि सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी में शायद ये बिल पास नहीं कर पाए। तो बहुत सारे पहलू पर अभी चर्चा करना बाकी है। कई पार्टियों ने इसका विरोध किया है, कुछ समर्थन में है। अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने इस बिल का विरोध किया है, सैद्धांतिक तौर पर विरोध किया है, क्योंकि इससे पहले इस सिटीजंस एक्ट में कई बार संशोधन हुए हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर पूर्व हो या देश के बाकी हिस्से हो, वहां पर उसमें पहली बार ऐसा इतना विरोध देखने आया है। लेकिन हमें लगता है कि हमने इसमें, कांग्रेस पार्टी ने जो बात रखी है वो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी नागरिकता का आधार धर्म नहीं बनना चाहिए। और मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है, कोई शरणार्थी है तो उसका धर्म नहीं देखा जाना चाहिए। ये बहुत पुराना सिद्धांत है, दुनिया में तमाम मुल्क इस बात को मानते हैं, और मुझे लग रहा है कि इसको पारित कराने में या इस बिल को पेश करने में रिक्वायरमेंट से ज्यादा पॉलिटिक्स के पीछे है। सर, पूरे नॉर्थ ईस्ट में इसको लेकर काफी बड़ा विरोध भी हो रहा है, कल रात भी प्रोटेस्ट हुए, आज भी हुए, आसाम की बात करें दूसरी जगह सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो आपको नहीं लगता इतनी आपदा भी क्यों मचाई गई इस बिल को लाने के? अरे इतनी आपदा भी मचाई जाती है प्याज के दाम घटाने के लिए तो मैं स्वागत करता। अरे इतनी आपदा भी मचाई जाती है प्याज के दाम घटाने के लिए तो मैं स्वागत करता। ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, आर्बिट्री नेचर है। कांग्रेस पार्टी ने जो बात रखी है वो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी नागरिकता का आधार धर्म नहीं बनना चाहिए। जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो यह देश की जरूरत न पड़ती। देश भर में अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, 14 तारीख को हम लोग भी बहुत बड़ी रैली दिल्ली में करने जा रहे हैं इसी मुद्दों को लेकर, ताकि ध्यान जनता का उन मुद्दों पर रहे।